लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत 10 साल में मजबूत हुआ है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इसी तथ्य ने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास जगाया है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करने का काम जारी है। इसके साथ ही उन्होंने जनता के सपने को अपना संकल्प बताया और कर्नाटक की जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। 10 साल में भारत शक्तिशाली हुआ। भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और जब 25 करोड़ लोग 10 साल के भीतर भीतर गरीबी से बाहर निकलते हैं तो हर हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना, आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है। दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। साथियों, हमारा देश छोटे किसानों का देश है। कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करें। इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव, तीनों पर बल दे रहा है। बीजेपी सरकार में देश भर में 8,000 नए किसान उत्पादक संघ बने हैं, एफपीओ बने हैं। ये एफपीओ इनपुट कॉस्ट कम करने से लेकर किसानों को मार्केट रेट दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। इन्हें केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। केंद्र सरकार पैक्स को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है। सरकार 60,000 से ज्यादा पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा करने में जुटी है। एनडीए सरकार शुगर कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है। आपका सपना ये मेरा संकल्प है और आपका सपना साकार करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का वादा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में
दिल्ली में मुझे कर्नाटका से मजबूत समर्थन की जरूरत है। मैं आज आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, और इसलिए इस चुनाव में बेलगांव से हमारे बहुत पुराने साथी जगदीश शेट्टर जी को और चिकोड़ी से हमारे अन्ना साहेब शंकर जोले जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। और आप जब इनके लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम।